महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हिंदू धर्म में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। कुछ लोग इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर विरुला गांव के पास स्थित है। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ये यहाँ घृष्णेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। घुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव ही घुमेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अजंता एवं अलोरा की गुफाओं के देवगिरी के समीप तड़ांग में अवस्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं सदी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। पत्थर के 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी तराश कर सभा मंडप बनाया गया है। मंदिर का गर्भगृह 17x17 फुट का है, जिसमें एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है जो पूर्वाभिमुख है। भव्य नंदीकेश्वर सभा मंडप में स्थापित है। सभा मंडप की तुलना में गर्भगृह का स्तर थोड़ा नीचे है। गर्भगृह की चौखट और मंदिर में अन्य जगहों पर फूल, पत्ते, पशु पक्षी और मनुष्यों के अनेक भाव मुद्राओं का शिल्पांकन किया गया है। घृष्णेश्वर शिव मंदिर में एक और विशेष बात यह है कि 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्मीनायक नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। पुरातत्व और वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर में अभिषेक और महाभिषेक किया जाता है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।